का दैनिक टाइम है समय जम्मू के की गई है महबूबा मुफ्ती पहुंचते हुए और देखिए किस तरह से महबूबा मुफ्ती का काफिला जम्मू और साउथ है। नरेंद्र बीजेपी के प्रत्याशी है और इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र दारा से और कांग्रेस के मल्ला से होगा। और देखिए अपने अपने प्रत्याशियों को अपने जो नरेंद्र शर्मा है पीडी की तरफ से जिन्हें और देखिए ढोलियों को सम्मानित करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जी और यहाँ का इनका भव्य स्वागत किया गया आरसपुरा में और प्रत्याशी जो है पीडीपी के नरेंद्र शर्मा जी को हमारे बीच में हमारी शेयर नेता नेता जो है वो पहुंच चुकी है और मैं सब साथियों से अपील करता हूँ कि चेयर पे बैठ कर मैं एक नारा लगाऊंगा तो उसका भरपूर जवाब दे दीजिए अपना जोश दिखाइए। और ये भी पीडीपी के जो प्रत्याशी है नरेंद्र शर्मा जी और वहां एक तरफ अगर बात करें तो मुफ्ती जी का भव्य स्वागत किया गया और नरेंद्र शर्मा जो कि पीडीपी के प्रत्याशी हैं उनका कड़ा मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी के बताना चाहेंगे नरेंद्र सिंह राणा जी के साथ और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें रमन बल्ला और इंडिपेंडेंट जिन जो निर्दलीय हैं वो हैं सन्नी कांचिब। आप देखना यह है कि किस तरह से ये जो है यहाँ पर जो जनता है नरेंद्र जी को समर्थन देती है और पहली तारीख को इनकी किस्मत का 1 अक्टूबर को इनकी किस्मत का फैसला जो है वो बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा। और सभी मेरे बहन भाई जी उन सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल।
मैं पहली बार जो कि सुखेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से पीडीपी का कैंडिडेट मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपने पहले आचार बदल और सभी का आभार जताता हूँ कि आपने सभी अपने पाठीदार में पहुंचकर हमारा मनोबल बढ़ाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पीडीपी को भारी मतों से जिताकर असेंबली में भेजेंगे और इसके साथ आपका जो वोट है वो पीडीपी पार्टी को जाएगा, वो हमारी मैडम जो महबूबा मुफ्ती उसको जाएगा और हमारे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को जाएगा। आपके वोट से हमारी पार्टी ज़्यादा मजबूत होगी और पीडीपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, सभी का आभार प्रकट करता हूं और सभी का धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, शुक्रिया। यह हमारे छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं जो एमएलए की टिकट पर लड़ रहे हैं। आप भूल पहली तरीक को कल तबादला बटन दबाकर इनको काम जाकर मैं थोड़ा आए दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट डे उनको बताने चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही गल कहना चाहना कि ग्राउंड का लीडर ना ग्राउंड के काम
करा, मैं महाराष्ट्र जम्मू साउथ की गल करा। साडे हॉस्पिटल की हालत इन्नी माड़ी है, कोई भी पेशेंट जाता गुरदू सराव तो चलो जी करो जम्मू रैफर, जाके देखो 25-25 एंबूलेंस लगी दी है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी दी है, लेकिन टेक्नीशियन कोई नहीं है, कोई लैबोरेटरी नहीं है। दूसरी गल करा एजुकेशन की, 1959 के बिल्डिंगा बनी जी हायर सैकेंडरी स्कूल दी, अज भी उसकी जर्जर हालत है। तुम जाके गवर्नमेंट गर्ल हायर सैकेंडरी स्कूल के लैंटर भी ठीक नहीं हो गए, दिन के टाइम भी उसे टैक्स लगते, जो देखी जा के साथ बच्चिया हादसे का शिकार हो गई, उदू सरकार पता लगना कि इतने यह कमी है, उदू कहना कि हमें बहुत दुख हुआ। बस मैं ज्यादा गल ना कह दो, अं भारत के लोग हाँ, हमेशा ईमानदारी ना चलने, साढ़े को और कुछ ऐसे ईमानदारी है। मैडम जी पैसे देकर इकट्ठी की भी पीड़ नहीं है, जो संप्यार करने वाले हैं आपसे और पीडीपी जमा से नरेंद्र शर्मा से, ये मैं माता को बता दूँगा। और जितने ठेकेदारी सिस्टम से बाद ठेकेदार लेके इतने कि साइड
सारे जो लोकल काउंसिल बेरोजगार लोग हो गए, आज ये हालत बिल्कुल खराब है, कोई जवाब नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। चुनी हुई सरकार के बीच लोग मिनिस्टर को जान गए, किसी एमएलसी को जान गए, किसी एमएलसी को एमएलए को जाके पकड़ के कोई काम करवाएंगे। आज जी सेक्रेटरी लेवल की सरकार चल रही है, आज पब्लिक बिल्कुल जाए तो जाए किसको जाए, कोई काम नहीं हो रही। लिहाजा इस वक्त एक मौका मिल गया तुम साड़ी लीडर पार्टी प्रेजिडेंट मैडम उमा मुफ्ती जी ने जिस 5 अगस्त 2019 एप्लीकेशन हुई और तुम ये चीज नोट रखो ये फाइनल लीडर है जिन्हें सारी स्टेट के बारे सारी गल की और प्रोटेस्ट किए और सरकार बाहर निकले, लेकिन सरकार बढ़ो सरकार ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और अरेस्ट करके 14 महीने अपने अरेस्ट भी रखा। एक आदली सी सरकार की और नैसा तो 8 लाख फौज लगा के 8 लाख फौज लगा के 370 रुपये की एक मिला। अगर लोग चाहते सन तो तुम फौजें ला दी गई जरूर सी भाई, क्यों फौजें लगा के जब तोड़िया और आई जा सकता ज्यादा गल ना खत्म होया फिर भी बड़ी है। असं थोड़े मेहरबान मैडम मुफ्ती जी आए हुए और इन्होंने सारे थोड़े वाजे करनी सारी गल करनी है और मैं थोड़े अगर सारे ये रिक्वेस्ट करा कि 1 अक्टूबर जिस वक्त साड़ी पोलिंग होगी उस लोग सारे ने उठ के सवेरे जल्दी मिलकर जगह गर्मी का मौसम है फिर 7:30 बजे पोलिंग शुरू होगी 7:30 बजे तुम्हें आगे जाके अपने कल उम्मीदवार से नरेंद्र शर्मा और करण सिंह दोनों वोट पा के इस इलाके में कामयाब होंगे है और अभी बड़े मजबूर होंगे। अभी ये चाहोगे अगर तुम्हें स्टेट बचानी है कोई आवाज़ उठानी है तो मैडम उमा मुफ्ती जी की जे हाथ इस्तेमाल करोगे तो मजबूत करके एक नारा लगाएगा उस बाद आगे बैठ जाएंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मैडम उमा मुफ्ती जी, मैडम उमा मुफ्ती जी। नामजद उम्मीदवार नरेंद्र शर्मा जी, करण सिंह जी और हमारे सीनियर लीडर यहाँ काफ़ी बैठे हुए हैं, मुझे सामने काफ़ी सारी मेरी बहनें बुजुर्ग नौजवान सबको मेरा आदाब मेरा नमस्कार। आप बैठ जाइए। आज मैं आरसपुरा में हूँ और जब भी आरसपुरा का नाम होता है तो मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों के बीच में आई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पिताजी मुफ्ती साहब को उस वक्त जताया जब कश्मीर से वो यहाँ आपके पास आ गए। तो जब भी अरसपुरा की बात होती थी तो मुफ्ती साहब के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती थी, हमेशा उनको अच्छा लगता था अरसपुरा की बात करना। अरसपुरा का कोई कश्मीर मिलने आता था वो बोलता था मैं अरसपुरा से हूँ, तो डैडी कहते थे जल्दी जल्दी उसको अंदर भेज दो। के साथ एक रिश्ता है आप जानते हैं, पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में एक ही सरकार है, दिल्ली में बीजेपी सरकार, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इन्हीं का है, सरकार भी इन्हीं के हैं, अफसर भी इन्हीं के हैं। जम्मू का कोई अफसर नहीं है चीफ सेक्रेटरी, जम्मू का कोई अफसर नहीं है डी जी, उस सब अफसर हो एलजी हो सब बीजेपी के बाहर से लाए हुए हैं और इसलिए हमारी समस्याएं ज्यादा हो गई हैं। ये मेरी बहनें ये समझती होगी जब घर में बच्चे बेरोजगार होते हैं तो कितनी दिक्कत होती है, उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता है, नतीजा ये होता है वो नशा करना शुरू करते हैं, शराब पीना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ से बिजली देखिए, पूरे मुल्क में बीजेपी लोगों को मुफ्त बिजली देती है, मगर जम्मू कश्मीर हर
तीसरा अपने पानी का आवियाना माफ किया था, इन्होंने उसको भी दोबारा शुरू कर दिया है। और आपकी रेत बाजरी के लिए भी बाहर से लोग आते हैं, पहले तीन लोग यहाँ के रेत बाजरी निकालते थे, अब उसका भी ठेका बाहर के लोगों को देता है। गुजरात में शराब पीना बंद है, मगर जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में शराब की इतनी दुकानें हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और शराब के लाइसेंस बाहर के लोगों के पास, पैसा वो कमाते हैं और पिलाते हैं हम लोगों को। इसलिए मुझे मालूम है कि जो बहने हैं, जो घर में थोड़ा सा पैसा होता है, पति हो, भाई हो, बेटा हो, वो पैसे ले जाके शराब की बोतल शाम में उड़ा देता है, तो क्या हाल होगा। बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है, और अगर नौकरी मिलती भी है तो बाहर के बंदे को मिलती है। ऑटो भी बाहर के लोग चलाते हैं। पहले हमारे जम्मू कश्मीर में क्राइम नहीं होता था, यानी अपराध बहुत कम होता था। आज बाहर से लोग तो आते हैं, अपराध करके ट्रेन में वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, ऐसी मुसीबत है। अब हमको सोचना है इस मुश्किल से कैसे निकले। कहते हैं विकल्प, आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर गांव में एक या दो दुकानें हो, आपको सौदा उन्हीं से लेना है कि नहीं लेना है। अगर वो महंगा भेजेंगे आपको जाना है उस दुकान के पास, अगर वो खराब भेजेंगे आपको जाना है। मगर अगर गांव में नई दुकान खुलती है, अगर नई दुकान खुलती है जो सस्ता सौदा देती हो, साफ चीज देती हो, अच्छी चीज देती हो, तो आपका फर्ज बनता है उस दुकानदार के पास जाना। अगर पुराने डॉक्टर से बीमारी दूर नहीं होती है तो डॉक्टर बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लंबी बड़ी पगड़ी वाला नहीं है ये, कोई बड़ा आदमी नहीं है ये, आपका अपना बच्चा है, यहाँ का रहने वाला है, आपके यहाँ का आदमी है, लड़का है, बेटा है, भाई है आपका। मैं कहती हूँ ये सबसे बहादुर है मेरे लोग, मुफ्ती साहब ने विकल्प दिया। 50 साल मुफ्ती साहब कोशिश करते रहे जम्मू कश्मीर में विकल्प होना चाहिए, ताकि जब लोग एक जमात से तंग आ जाए तो उनके पास दूसरी जमात होनी चाहिए। बड़ी कोशिश की कांग्रेस को विकल्प बनाने की, मगर जब कांग्रेस विकल्प के सामने आया, फारूक साहब ने जफ्फी डाल दी राजीव गांधी जी को, और वो जो विकल्प था कांग्रेस, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की जेब में डाल दिया। तो फिर मुफ्ती साहब को पीडीपी बनानी पड़ी। आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब की सरकार बनी, कॉलेज जितने कश्मीर में उतने जम्मू में, रहबर तालीम टीचर जितने कश्मीर में उतने जम्मू में, जो रहबर तालीम टीचर हजारों के तादाद में लगे, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा, आपकी बिजली सस्ती थी उस वक्त, और सबसे बड़ी चीज कश्मीर में शांति होगी, अच्छा माहौल हो गया, मुसीबत बंद होगी। मगर आज आपने देखा 6 साल से बीजेपी की सरकार है, और आपने देखा महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, शराब ज्यादा हो गया, नशा ज्यादा हो गया, जो हमारा काम है बाहर से ठेकेदार आते हैं उनको काम मिलता है, यहाँ के लोगों को काम भी नहीं मिलता है। ये है बीजेपी का राज। पूछो क्या दोगे हमें, अभी मैंने सुना बुलडोजर बाबा आ रहे हैं आपके इलाके में, जानते हो बुलडोजर बाबा कौन है? वो सिर्फ बुलडोजर चलाना जानते हैं, मगर श्री राम ने अयोध्या में इनका ऐसा बुलडोजर चलाया कि अयोध्या की सीट ही हार गई। आपने अयोध्या के जो मंदिर कैसा बनाया कि अभी बारिश हुई थी तो पानी अंदर आ गया, उनसे पूछिएगा उस पवित्र मंदिर में कैसे एक दलित बच्ची का गैंग रेप हो गया और आपने कुछ नहीं किया आज तक। पूछिए जब हमारी बेईमान बच्चों के साथ जाति हुई, जिस बंदे ने जाति की उसको आपने जेल में क्यों नहीं डाला?
बांट के खाना है, बिल बांट के इस्तेमाल करना है। इसलिए मेरी आपसे सबसे गुजारिश है, आप मुफ्ती साहब को जानते हो, आप मुफ्ती साहब की जमात को भी जानो, उसको भी परखो, इस जमात को वोट देके यहाँ पर और करण सिंह जी को दूसरी जगह वोट देके इनको कामयाब करो। और एक बात बतानी है मैंने आपको, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, जम्मू कश्मीर में सेक्युलर सरकार बनेगी, और जो सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी पीडीपी उसका हिस्सा होगी। जैसे इन लोगों ने लाई है, जैसे ये लोग समझते हैं कि अगर डॉक्टर फेल हो गए इलाज करने में तो नए डॉक्टर को बदलना पड़ेगा, नया डॉक्टर लाना पड़ेगा। मुझे मालूम है आप सुबह से आई नहीं है, यहाँ गर्मी भी बहुत है, मुझे पता है पेंशन की प्रॉब्लम रहती है हमारी जो विधवाएं हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इंशाल्लाह हम दोबारा वापस लाएंगे, जो 60,000 नहीं भेजे हैं उनको परमानेंट करेंगे, जो 1,00,000 नौकरियां गवर्नमेंट में खाली है उसको 1 साल के अंदर अंदर हम पूर्ण करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली की फीस बढ़ गई है इसको हम इसका बोझ वहां पे कम करें। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, मगर आपको आपसे जो बन पड़ेगा आपको भी करना है, आपने इन लोगों को वोट डाल के कामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के चेहरों पर एक खुशी थी और आपको देखने की एक तलब थी। आखिर आप अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं की जबरदस्त, आप जम्मू कश्मीर के मुश्किलात का कोई हल ढूंढे। हम मैं भाजपा तो दावे कर रही है कि 50+ का लक्ष्य इस बार भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम होगा, तो आप क्या कहती किस तरह से? देखिए भारतीय जनता पार्टी का LG अपना है, प्राइम मिनिस्टर अपना है, तो क्या किया उन्होंने जम्मू के लिए बताइए मुझे? उनका LG नहीं है क्या? तो अगर इतना उनको शौक है कि जम्मू कश्मीर में BJP का CM हो, तो गवर्नर पहले से जम्मू का बनाना चाहिए था, एडवाइजर जम्मू के बनाने चाहिए थे। तो जहाँ तक BJP का सवाल है, BJP तो 15 सीटें भी क्रॉस नहीं करेगी। ये आप ऑन कैमरा कह रही हैं? बिल्कुल। इंजीनियर रशीद को ठीक हो इलेक्शन से पहले रिहा कर रहे हैं, क्या लगता है? उसका जवाब मैं आज शाम को जब रघुनाथ मंदिर में होगा उसका जवाब। 40 से ज्यादा सीटें जीतेंगे कश्मीर में। कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बारे में क्यों, तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। धन्यवाद महबूबा मुफ्ती का। बंद हो गया। महबूबा मुफ्ती ने भारतपुरा के लोगों ने जमकर प्यार बरसाया है महबूबा मुफ्ती पर, और आपने देखा जहाँ पर किस तरह से लोग महबूबा मुफ्ती को इतनी गर्मी में इतने टेम्परेचर में भी सुन रहे थे। महबूबा मुफ्ती का साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकार अगर बनेगी तो PDP उसका हिस्सा होगी। ये आने वाला समय तय करेगा आपका क्या करना, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मेरे को शेयर भी कीजिएगा। अगले अपडेट के लिए जय जवाहर।